हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है आई नियरली डाइड, मैं तो मरते मरते बचा। आई नियरली पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास करते करते बच गया, मतलब मैंने एग्जाम को पास नहीं किया। मैं तो मरते मरते बचा। आई नियरली डाइड। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, इट सर्व्स यू राइट। दोस्तों, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपके साथ ये अच्छा हुआ है, आपने मेरी बात नहीं मानी, इंग्लिश में आपने कहना है इट सर्व्स यू राइट। दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज, मुझे इससे कोई हैरत नहीं हुई। दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिडी। गिडी मीन्स चक्कर आना, या जब आप सोना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त आपको चक्कर आते हैं। आई एम फीलिंग गिडीनेस, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो खरी बात करता है, ही इज आउट स्पोकन, वो शख्स जो खुलकर बोलता हो। आउट स्पोकन, ही इज आउट स्पोकन। ओके, अपनी कमर कस लो, गर्ड अप योर लाइंस, अपनी कमर कस लो। गेट अ मूव ऑन, जल्दी करो यार, गेट अ मूव ऑन। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, वो वादे का पक्का है, जो शख्स अपनी बात पर कायम रहता हो वो वादे का पक्का होता है। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। ही इज बेंट ऑन मिसचीफ, वो शरारत पर तुला हुआ है। ही इज बेंट ऑन, बेंट मीन्स झुक जाना, मिसचीफ शरारत। ही इज बेंट ऑन मिसचीफ, भीड़ ज्यादा हो गई। द क्राउड ग्रू थिकर, क्राउड हुजूम को कहते हैं। मैं तुम्हें सीधा करता हूं, आई विल सॉर्ट यू आउट। यू हैव डन अ वेरी चीप जॉब, बहुत घटिया हरकत किया तुमने। यू हैव डन अ वेरी चीप जॉब। यूज योर वेट्स, होश से काम लो। यूज योर वेट्स, तुम किसकी तरफ हो? Which side are you on? किसी से अगर आप पूछना चाहते हैं ना कि आप मेरी साइड पे हैं या किस साइड पे हैं? Which side are you on? दिन बहुत बुरा गुजरा, It was not my day. कोई अगर आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा रहा, You can say, It was not my day. दिन बहुत बुरा गुजरा, या It was a great day. दिन बहुत जबरदस्त गुजरा। दीवारों के भी कान होते हैं, walls have ears. So be careful, जो भी आप बात करें।